बात करेंगे उन बेखौफ बदमाशों की खौफनाक करतूत पर, जिसमें अफसरों के सामने गोलियां चलाई और एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में एसडीएम और सीओ के सामने ही बदमाशों ने 20 राउंड गोलियां चलाकर एक शख्स की जान ले ली। इस रिपोर्ट को देखकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या दबंग और अपराधी कानून व्यवस्था को अपनी जेब में रखते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया के दुर्जनपुर गांव में गुरुवार को जो हुआ उसके बाद से हर कोई दंग है। लोग हैरान हैं कि बकायदा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में एक शख्स को गोली मार दी जाती है और वो तमाशबीन बने रहते हैं। ये पूरी घटना सरकारी कोटे की दुकान के लिए खुली बैठक में हुई। एसडीएम, सीओ और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ये बैठक हो रही थी। अचानक आपस में हंगामा हुआ, भगदड़ मची और फिर उनके सामने ही एक शख्स को गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। दबंगों ने 20 राउंड गोलियां चलाई। लोग खुद को बचाने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में जुट गए, लेकिन जब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। गोली मारने वाले आरोपी का नाम धीरेन्द्र सिंह है, जिसे बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। यूपी के पूर्वी जिले बलिया में गोलीबारी हुई तो इसकी गूंज लखनऊ की योगी सरकार के कानों तक पहुंची। फजीहत से बचने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत मौके पर मौजूद एसडीएम, बैरिया, सीओ और दूसरी पुलिसकर्मी को तत्काल निलंबित करने का आदेश सुना दिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। बीजेपी ने कहा कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मामले पर सियासी घमासान शुरू होने में भी देर नहीं लगेगी। सपा और कांग्रेस योगी सरकार पर हमलावर हो गई। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी का लाइसेंस है। जब शासक अपराधी हो, कानून गुंडों की दासी हो, तो संविधान को रौंदना राजधर्म बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।